नमस्कार भैया बहनों। भैया बहनों, आज मैं क्लास 7 का सिंपल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। भैया बहनों, इक्वेशन क्या होती है सबसे उससे पहले जानने के लिए हम जानते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होता है और कोई भी नंबर होता है। भाई देखिए, एक्स प्लस थ्री ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी तरीके से 3x ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 4/3x ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, etc। अब यहां पर देखिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, यानी सिंपल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन में जहां पर जैसे एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फोर। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहां पर थ्री एक्स प्लस थ्री है, यहां पर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फोर है, तो यहां पर ये जो इक्वल का साइन होता है, जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन होगा उस एक्सप्रेशन को सिंपल इक्वेशन कहेंगे। और यहां पर देखिए, एक्स क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल हो गया, यहां पर इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसको हम कॉन्स्टेंट बोलेंगे। ऐसे ही ये भी कॉन्स्टेंट है। अब यहां पर देखिए, ये जो इक्वल का साइन है, यहां पर ये साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी LHS और ये राइट हैंड साइड कहलाएगी RHS। यानी इसका यदि बैलेंस करें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, तो ये सिंपल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपल इक्वेशन जैसे x प्लस थ्री इक्वल टू फोर है, तो यहां पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो यहां पर देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इस थ्री को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात है भाई, x इक्वल टू ये फोर, ये प्लस का है, प्लस का थ्री है, ये दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन। यानी अब यदि वेरिफिकेशन इसका करें तो लेफ्ट हैंड साइड आपका देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स प्लस थ्री, और यहां पर यदि एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर आया, और राइट हैंड साइड की वैल्यू यदि देखेंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू फोर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कब आ रहा है, जब हम एक्स की वैल्यू वन रख रहे हैं। तो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, और भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस थ्री इक्वल टू सेवन। भाई यहां पर देखिए, ये वेरिएबल है, इसके साथ में ये जो इंटू में है, ये 2 इंटू एक्स है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2x प्लस थ्री इक्वल टू सेवन, ये सिंपल इक्वेशन होगी। तो यहां पर देखिए, ये जो कांस्टेंट है इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू सेवन माइनस थ्री, तो यहां से हो जाएगा 7 माइनस थ्री ये 4 हो गया, 2x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड में जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 4/2 और 2 1 2 2 2 4, एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। यदि x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, देखिए यहां पर हम कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर देखिए क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड है 2x+3। अब यहां पर x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2+3 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4+3 = 7। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू देखिए क्या है, राइट हैंड साइड यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड आपका 7 है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आई किस वैल्यू के लिए, x = 2 के लिए। तो इस तरीके से हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, (4/3)x = 7। अब देखिए ये भी एक सिंपल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन का मतलब है जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर 1 हो। तो यहां पर देखिए ये वेरिएबल हुआ, वेरिएबल की पावर यहां पर 1 है और ये कोफिशियंट ऑफ x कहलाएगा, x इज अ वेरिएबल एंड 4/3 इज द कोफिशियंट ऑफ x एंड 7 इज अ कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए जहां पर वेरिएबल इनटू में नहीं होता है, 7 के इनटू में वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट कहलाएगा, और 4/3 के साथ में वेरिएबल की इनटू हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये कोफिशिएंट कहलाएगा x का। तो अब हम देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां पर ये 4/3 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी तो 4x = 7 × 3। जब ये डिनोमिनेटर में होता है तो ये 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 4x = 21 और x = 21/4। तो यहां पर ये x की वैल्यू 21/4 आ गई। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहां पर 4/3x, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, देखिए ये इनटू में 4/3 कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल के इनटू में, तो 4/3 × 21/4, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 × 7 = 21, ये 7 आ गया। अब राइट हैंड साइड आपकी देखिए यहां पर 7 है, अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी किसके लिए, x = 21 + 21/4 के लिए। तो आज जो हमने आपको बताया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होता है। देखिए यहां पर x वेरिएबल है, अब x ही वेरिएबल नहीं हो सकता, y भी वेरिएबल हो सकता है, z भी हो सकता है, जो अल्फाबेटिकली नंबर्स होते हैं वो यदि किसी भी एक्सप्रेशन में होते हैं तो उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जहां पर इक्वल का साइन होता है, देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है x + 3 = 0। तो यहां पर देखिए ये इक्वल का साइन जिसमें आता है, जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आता है उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन कहते हैं। और सिंपल इक्वेशन कौन सी होती है, सिंपल इक्वेशन देखते हैं वेरिएबल की पावर 1 होती है, जिसमें एक वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर 1 हो। थैंक यू।